मैं हूं आपका भाई अल जलाल की आज आए हैं आपको दिखाता हूं मैं रियल क्वालिटी के इतक कैसे बनाए जाते हैं, प्योर क्वालिटी के इतक कैसे बनाए जाते हैं और आपको सेंटेड इस तरह भी बनाना सिखाता हूं। आज मैं आपको दिखाऊंगा, पहले इतक बना के दिखाऊंगा, फिर अगली वीडियो में आपको मैं जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे मुझे तो परफ्यूम बनाना सिखाऊंगा आपको। पहले जो बनते हैं इतर बनाए जाते हैं, जो इतनी सी बोतल से आप इतना बड़ा ड्राम भी बना सकते हैं और इतनी बड़ी 20 किलो का ड्राम भी बना सकते हैं। लेकिन आपका जो डीपी जो होना चाहिए वो प्योर होना चाहिए, असली होना चाहिए। असली जो होता है वो खाली किसके पास मिलता है, अल जलाल के पास। परफ्यूम अवेलेबल मिल जाएंगे, सारे परफ्यूम केमिकल अवेलेबल मिल जाएंगे जो प्योर होंगे आपके पास। देखिए प्योर जो होते हैं, प्योर में सेंटेडिस जो होते हैं जो स्किन पे एलर्जी नहीं करते, वो चीजें मेरे पास ही मिलेगी आपको और कहीं नहीं मिल सकती। आज मैं आपको दिखाता हूं फ्लावर स्मेल बना के, आज जो दिखाएंगे आपको प्योर फ्लावर स्मेल बना के दिखाएंगे, रियल क्वालिटी की फ्लावर स्मेल कैसे बनाई जाएगी, जीपीएलजी कैसे बनाया जाता है और ये जो होते हैं केमिकल्स क्या वर्क करते हैं इनमें। और आज मैं आपको दिखाऊंगा, पहले जो दिखाऊंगा फ्लावर इतना दिखाता हूं रियल क्वालिटी का, थोड़ा सा होता है लिली फ्लावर से बनाया जाता है, आप देख सकते हैं ये होता है रियल क्वालिटी का फ्लावर इतना, आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा बनता है ये। एक तो आप देख रहे हैं ये खत्म नहीं होगा, ये स्टिक से नीचे नहीं गिर सकता, इतना गाढ़ा है ये होता है रियल क्वालिटी का, ठीक है। तो इसी अतर से ही 5 ml अतर से ही इतने इतने बड़े बड़े ड्राम भर जाते हैं रियल क्वालिटी का। अगर ये 5 ml और फ्लेवर जैसे दूध में पानी मिला देते ना, ऐसे की अगर हम ये रियल क्वालिटी का इतर अगर पानी में मिला देंगे पूरा पूरा बन जाएगा ये इतर ही। ये देख रहे हैं आप कितना गाढ़ा है और जबरदस्त है। आज इसका बनाएंगे हम परफ्यूम, आप रिटेल में खरीदे होलसेल में खरीदे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आप रिटेल में खरीदेंगे होलसेल में खरीदेंगे और आप जो चाहे उससे खरीदे और फिर जैसा बेचना चाहे वैसे बेचे। आपको मैं सिखा रहा हूँ कैसे बनाए जाते हैं परफ्यूम और इधर, और जबरदस्त क्वालिटी के कैसे बनाए जाएंगे, और इसमें जो होती है बहुत जबरदस्त स्मेल होती है फ्लावर स्मेल की। आज मैं पहले दिखाता हूँ आपको लकड़ी का क्या करना होता है, लकड़ी उस अंदर लकड़ी का क्या करना होता है, और आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले लेंगे हम अपनी बॉल लेंगे, सबसे पहले बॉल लेंगे, फिर उसके जो होंगे। देखिए ईतर बनाना सबसे आसान तरीका है, ये तो बकवास बातें हैं लोगों की, जैसे कि आजकल आप यूट्यूब में देखोगे उसमें भी देखोगे, जैसे कि हमारे जो होते हैं कस्टमर बड़े कंफ्यूजन रहते हैं जो मुझसे बात करते हैं, सर यूट्यूब में ऐसे ऐसे दिखाते हैं, ऐसे बनाते हैं सब बेकार की बातें। लोग अगर भाई ऐसे ऐसे बनाने लग गए टैंक टैंक खड़खड़े रहेंगे, ईतर के जल्दी 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 बनता ईतर, ऐसा नहीं जल्दी दे। ये तो बस देखो यूट्यूब की वीडियो लंबी करनी होती है इसलिए हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं, थोड़ी मशीनें रख लेते हैं और रखते हैं, मशीन की कोई जरूरत नहीं होती इसमें, डायरेक्ट डालते हैं डायरेक्ट बनाते हैं। अब आप देखेंगे परफ्यूम में भी बोलते हैं मशीन चाहिए होती है, फैसल भाई क्या हमें मशीन कहाँ अवेलेबल मिलेंगी, कहा अरे सर मैं मशीन वाला कोई हूँ, सर मैं इतर बनाना सिखा रहा हूँ इसके लिए कोई जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्ट केमिकल मिलाएं डायरेक्ट वो बने तो बढ़िया बन जाता है। एक इंच और केमिकल वर्क नहीं करना चाहते हैं, जो रियल बनाना चाहते हैं उसको भी मैं सिखाऊंगा रियल कैसे बनते हैं और जबरदस्त परफ्यूम कैसे बनाए जाते हैं। आज मैं सिखाता हूँ आपको जबरदस्त परफ्यूम कैसे बनाए जाते हैं रियल क्वालिटी के परफ्यूम। अब देखिए सबसे पहले मिलेंगे माशाल्लाह, सबसे पहले जाएंगे फ्लावर स्मेल का इधर लेंगे बढ़िया, ओके। अब एक सेकंड नमाज होने के तो मैं भी बात, अब जैसे कि जो होता है ये इधर में जो हम मिलाएंगे सबसे पहले जो मिलाते हैं फ्लावर ऑयल मिलाते हैं, जबरदस्त स्मेल का होता है, जबरदस्त चीज होती है, आपके एलपीजी अच्छा होना चाहिए, सबसे बढ़िया होना चाहिए, ज्यादा नहीं मिलाएंगे थोड़ा सा मिलाएंगे पहले, और फिर जो है अपना हम जो है फ्लावर स्मेल का हल्का हल्का मिक्स करते रहेंगे इसके अंदर, हल्का हल्का डाल के जो है इसके अंदर मिक्स करते रहेंगे। अभी 100 ml बना रहा हूँ मैं, एक ऑर्डर आया था उसके लिए बना रहा हूँ, 100 ml हल्का हल्का सा मिक्स करते रहेंगे, एकदम हल्का हल्का सा डालते रहेंगे इसके अंदर, ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि फ्लावर जो है बहुत जबरदस्त चलता है, 5 ml में भी मैं ज्यादा डाल देता हूँ क्योंकि अपनी इतर की क्वालिटी हर किसी को अच्छी लगनी चाहिए। अब जैसे कि हमें हमारा जितना अच्छा इतर होगा उतना ही तो बढ़िया बिकेगा, आप जितना अच्छा परफ्यूम बनाएंगे जितना अच्छा इतर बनाएंगे उतना ही अच्छा आपको होलसेल में भी जाएगा वैसे भी जाएगा। अब लोग क्या करते हैं थोड़ा सा इतर लेते हैं एलपीजी ज्यादा मिला देते हैं और बिगार सा इतर बना देते हैं और फिर 2-3 घंटे में उसकी खुशबू खत्म होने लग जाती है, तो आदमी की शिकायत आने शुरू हो जाती है भाई ये क्या मिला दिया इतने क्या कर दिया, तो ये बहुत जबरदस्त वो है पिटेबल जी। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना ना, हमें करना है कारोबार, अगर आपको करना है आपको टिकना है इस कारोबार में, क्योंकि एक से एक बड़ा बंदा आया हुआ है इस समय, एक से एक चीज आई है, एक से दो आदमी आया हुआ है जो बिजनेस खुद कर रहा है और अच्छी तरह वो टाइपिंग भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, सब कर रहा है, तो आपको ऐसी चीज देनी है मार्केट में, ऐसी चीज लॉन्च करनी है, ऐसी चीज को उसको बनाना है जैसे कि आदमी हाँ चीज हाँ जी यही चीज है प्योर, यही चीज है सब कुछ। जैसे कि मैं प्योर इतना बना रहा हूँ, सारे जितने भी है आप देख सकते हैं जितने भी है सारे प्योर होंगे। अभी देखिए इसका रंग भी पीला हो गया है, एकदम रंग एकदम ऑरेंज हो गया है, जबरदस्त चीज होते चले गए जाएगी। अब जो बनाएंगे हम, जब जैसे कि इसको घोल दिया है तब इसको एक साइड में कर देंगे हम, इतना भी हो गया इतना हो गया है तो एक साइड में करके एक साइड में रखे इसको। अब जो है हम जो है व्हाइट पाउडर डालेंगे जो मैंने बनाया है लॉन्ग लास्टिंग के लिए,
स्मेल और खांसी का ये मतलब है, जैसे कि आदमी की जैसे 2-3 घंटे स्मेल होती है, तो बस 1-2 घंटे ज्यादा भी बढ़ा देता है ये इतर की लोंग लास्टिंग ऐसे कहते हैं। आदमी कभी भी आपको ये कहते हुए ज्यादा वीडियो में 4 हफ्ते 20 हफ्ते टिक जाती है स्मेल, नहीं दिखती है, क्योंकि आप जैसे कि कपड़े अगर आपने लगाए इतर लगा लिए, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, कपड़े में इतर लगा दिया आपने, एक कपड़े में इतर लगा के किसी के अलमारी में रख दिया, 1 हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते 1 साल 2 साल वैसे निकालोगे खुशबू वैसी रहेगी। असली इतरों में ये बात होती है। अगर आप टेबल बंदे हो, ट्रेवल वाले बंदे हो, आप ऑफिस से घर जाते हो, आप लगा के जा रहे हो, तो ऑफिस तक जाने तक खत्म हो जाती है, क्योंकि वो हवा लगते ही उड़ जाती है खुशबू। फ्लावर में यही बात होती है, हवा लगते ही उड़ जाती है खुशबू, यही फ्लावर की बात देखी गई है। इसलिए ज्यादातर वेस्टर्न कंट्री में ज्यादा गर्मी पड़ती है, और कंट्रियों में ज्यादातर आप देखेंगे, ज्यादा दुबई देखेंगे, वहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पे क्या मसला है, वहाँ पे लगाते हैं वुडन टाइप इतर, जैसे ऊंट का हो गया, ऊंट का हर किसी को पसंद नहीं आएगा, ऊंट में हल्का सा मिठास मिला देते हैं, ऊंट में लेमन मिला देते हैं, ऊंट में केमी मिला देते हैं, वेलिना मिला देते हैं, बिस्कुट फ्लेवर मिला देते हैं, जो सब मिला देते हैं, तो उसको ऊंट को हमें फ्लावर टाइप का बनाना होता है। अगर आपने असली ऊंट समझ लिया तो आपको चमड़े की स्मेल आती है, मोजे जैसी स्मेल आती है असली ऊंट में। पहली बात मैं बता दूं, क्योंकि लोग मुझसे बहुत सारा ऊंट मंगा चुके हैं, लोग फिर बोलते हैं जिन्होंने लगाया नहीं होता ऊंट को, वो बोलते हैं यार ये तो चमड़े की स्मेल आ रही है, आपने क्यों सब मैंने के भाई आपने प्योर प्योर बोल लेता, मैंने प्योर दिया, आप मुझसे बोलते इसके अंदर वेलिना मिला दो, उसके अंदर मिक्सिंग कर दो, तो उसके अंदर थोड़ी अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो जाती। लेकिन आपने डायरेक्ट आपने बोला उसके अंदर कुछ मिक्सिंग मत करना, आप मुझे डायरेक्ट देना, ऐसी बातें नहीं करा करो। जब आपको मालूम ना हो असली ऊंट की क्या कीमत है, असली ऊंट क्या चीज है, असली ऊंट की स्मेल कैसी है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड कंट्रियों में यही चलेंगे गर्मियों वाले इलाके में। और आप अगर वेस्टिंग बाहर खर्च जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, वहां चलेंगे, वहां तो परफ्यूम की भी लॉन्ग लास्टिंग रह जाती है सर। आप 1 लाख का परफ्यूम यहाँ पे लगा के देखो, इंडिया में 1 लाख का परफ्यूम भी लगाओगे, जबकि 2 दिन का खुशबू टिकेगी, उसकी ज्यादा नहीं टिकती, उसकी वेल उल्टी का भी थोड़ा सा उसका रिएक्शन होता है, बस 2 घंटे का। वेस्टर्न कंट्रियों में हीटर भी सबसे ज्यादा ज्यादा चल जाता है। आप देखेंगे आप बड़े बड़े ब्रांडों में चले आए, बड़े बस बोतल आलिशान रखिए, हीटर की वो रखिए, तो महंगा बिक जाता है ब्रांड के अलग रेट से। हीटर सबसे सस्ता होता है, मैं आज बता रहा हूँ आपको, कहीं कहीं लग जाए तो हीटर का कोई मामला ऐसा मत कर देना जहाँ से कोई करोड़ों का हीटर ले रहा हो, नहीं, हीटर सबसे सस्ता होता है। सबसे महंगी जो देखी जाती है कस्तूरी को देखा जाता है, सबसे महंगी जो होती है कस्तूरी ही गिनी जाती है गोल्ड की कीमत के बराबर। और बाहर आप चलेंगे कस्तूरी पौड़े को भाव बिकेगी, बस इंडिया में ही कस्तूरी महंगी है और कहीं महंगी नहीं है। आपको अब मैं दिखाता हूँ हीटर कराते हुए। देखिए सबसे पहले जो लेंगे व्हाइट पाउडर है, जो मैंने बनाया है, बहुत जबरदस्त चीज है व्हाइट पाउडर की, एक खासियत है व्हाइट पाउडर की, बहुत लॉन्ग लास्टिंग कर देता है। बस एक एक डालेंगे और उसको अच्छी तरह पीस देंगे, और पीसने के बाद जो है हल्की सी एक चुटकी डालेंगे बस, खाली एक चुटकी में ही काम हो जाएगा, एक चुटकी में खाली इसके अंदर एक चुटकी डाल देंगे, ठीक है। और इसको हल्का सा बस हिलाना है, हिलाते रहना है इसको, ज्यादा नहीं करना, किसी के पास मशीन ना हो तो चमचे से हिला ले, कोशिश भी हिला ले, बड़े बड़े टैंक टैंक को मिलाए, मैं तो बना के मैं दिखा रहा हूँ सोएमल कैसे बनेगा आपका, और ठीक है तो ये हिलाते रहे। आप लेना चाहें मुझसे भी ले सकते हैं, फोन से प्राइस सब लगा के दे देंगे आपको, बढ़िया से बढ़िया एकदम, और जबरदस्त चीज देंगे आपको, कोई ऐसी नहीं देंगे। फिर सबसे पहले डालेंगे, फिर हम जो डालेंगे इंजेक्शन डालेंगे, हल्का सा जो होता है सेंटेंसर होता है, सबसे ज्यादा स्मेल को जो होता है लॉन्ग लास्टिंग करता है और बढ़िया क्वालिटी में करता है, आप देखेंगे बस ज्यादा नहीं। और जो है फिर डालेंगे वेस्टर्न ऑयल आता है बढ़िया, सब जो चीज है लॉन्ग लास्टिंग के लिए होती है, ज्यादातर जो होती है लॉन्ग लास्टिंग के लिए होती है, हल्की सा डालेंगे बस, एक बूंद डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि ये जो होती है एक बूंद काम करती है, ठीक है। और जो है बहुत जबरदस्त चीज है, वेस्टर्न कंट्री में हमने देखा कि हीटर की स्मेल बहुत ज्यादा देर तक रह जाती है, वो इसलिए रह जाती है, वो की चीज होती है सर। आप अगर चीज बना रहे हो, अब ये चीज है मैंने जो बनाई है, ये रियल क्वालिटी से बना के फिर मैंने सैनिटाइजर करी, सैनिटाइज करके फिर ये आपको मैं आपको दे रहा हूँ, एक तो चीज भी दे रहा हूँ आपको होलसेल के रेट में भी दे रहा हूँ, जबरदस्त चीज दे रहा हूँ, बहुत प्योर है, आप देखेंगे शुद्धता एक नाक तक आने चाहिए इसमें, सबसे पहली बात तो नाक तक स्मेल आएगी जब चीज आपको दिखेगी, वरना नहीं दिखेगी आपको। हल्का सा फिर इसके अंदर मिक्सिंग कर देंगे जल्दी से, बस ज्यादा मिक्सिंग नहीं करना, हल्की सी मिक्सिंग करना है और कुछ भी नहीं है, बस हल्की सी मिक्सिंग कर दी, और भाई तहां इतना बहुत जबरदस्त आपका बन चुका है, एक खिलता हुआ जो कोमल होता है उसकी तरह की खुशबू आ रही है, बहुत जबरदस्त बहुत आला खुशबू जो बन जाती है, मैंने आज देखी बहुत जबरदस्त खुशबू बन चुकी है, और बहुत आला बहुत खुशबू उसकी जो होती है बहुत जबरदस्त होती है। और फिर जो है इसके अंदर डाल देंगे पूरा
तैयार हो जाएगा एकदम बढ़िया एकदम हरा खुशबू का। अभी देखेंगे इसको गाढ़ा भी कर दिया है मैंने और जबरदस्त बना दिया है तो बहुत ही प्यारा बहुत आला इतर बन चुका है ये सब। और कुछ तो देखेंगे देख ही जाएगा हमने। अब इसमें थोड़ी सी और लॉन्ग लास्टिंग रह गई। अब जो एक ग्लो नहीं मारता अब ग्लो कैसे करेंगे हम ग्लो आपको मैं दिखाता हूँ ग्लो इतर कैसे कर जाता है। ग्लो का भी एक ग्लो मतलब जैसे लगाए तो प्रोटेक्शन फेल है आदमी जो पेटे तो पीछे तक स्मेल जाए ऐसी स्मेल भी होनी चाहिए ना। अब तो ये ऐसी है जैसे आप उठ के दूसरे कमरे में चले गए इस कमरे में खुशबू रह गई वैसी चीज बन गई है। अब जैसे ग्लो करना होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ खाली एक जो होते हैं मिनिमम सेकेंड बोलते हैं वो डालेंगे इसके ऊपर ठीक है ये बोल के ठीक है। तो आप लकड़ी का जो है एक सेकंड में मैं आपको दिखाता हूँ बस थोड़ी देर लगे बस हल्का सा परफ्यूम बनना है। इसके बाद मैं आपको परफ्यूम बनाना सिखाऊंगा परफ्यूम इसका कैसे बनता है ये फ्लावर इस तरह का हल्का सा जो होता है हल्की सी जो है बस के संदर लकड़ी की जो होती है रेशे डालेंगे खाली रेशे क्योंकि रेशे में ये देखा गया है तो लोग चुपा देता है पकौड़े से खुशबू को फैलाता है। आप देखेंगे हल्का हल्का काट के करते रहेंगे तो इसमें से रेशे निकलते रहेंगे। ये मैं अपने हर फल इतर में डालता हूँ ये सोया मल का इतर है और बहुत ज़बरदस्त है और इसकी कीमत भी देखो ज़बरदस्त है। सोया मल आपको बहुत सस्ते दामों में दिया जा रहा है आप रिटर्न में भेज सकते हैं इसको और बस ज़्यादा नहीं एक है वाली ठीक है ज़्यादा नहीं करना हमें तो और ये डाल देना है इसमें डाल के बस इसको रख देना है। अभी जितना पुराना होते रहेगा ये इतर आज किसी के काम नहीं आता आपने अलमारी में रख के बोल दिया जितना पुराना होते रहेगा ये उतना ही महकते रहेगा। ये इतर इतर की एक खासियत होती है जितना पुराना होता है उतना ही महकता है उतना ही अच्छा बना ग्लो मारता है इतर। और ये बन चुका है हमारा फ्लावर इतर बहुत जबरदस्त बहुत आला। अब इसकी लेबलिंग हो जाएगी ये हो गया सील। देखिए हमारा सिंपल जाता है सिंपल कारोबार है सिंपल वो है। अगर आप कहेंगे नए शीशों में दिखाएं एक से एक शीशियां आती है हमारे पास बहुत जबरदस्त शीशियां हैं हमारे पास एक से एक शीशियां वो कलाकारी हो गई वो इतना नहीं कि कलाकारी आती जेब से पैसा निकालने की कलाकारी होती है। आदमी सोचता है यार जलाल के शीशे नहीं होगी जलाल हो जाए नहीं हमारा तो किलो के हिसाब से आता है। मैंने आपको बना के दिखाई 100 ml की बोतलें अवेलेबल मिल जाएंगी आपको इधर की भी परफ्यूम की परफ्यूम की तो देखिए परफ्यूम तो 200-300 ml आप नहीं भेजोगे एक किलो पर जाता है परफ्यूम जो आता है वो खाली मिलेगा खाली किसके पास खाली अल जलाल के पास। मैं हूँ आपका भाई अल जलाल जितना भी समझा समझ गए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए मुझे मैं हूँ आपका भाई अल जलाल।